हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सेकिरो शैडोज डाइट ट्वाइस। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं या हिडन फॉरेस्ट आइडल से, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग इस एरिया को, मतलब इस एरिया के लूट एक्चुअली हम छोड़ के चले गए थे जो कि यहाँ नीचे वाले एरिया में थी, क्योंकि ये सारा एरिया फॉग से जो है वो भरा हुआ था। और इस एरिया के एंड पे जिस बॉस को हम लोगों ने मारा था उसकी वजह से अब यहाँ पर फॉग वगैरह और जो इल्यूजनरी एनिमीज थे एक्चुअली वो अब स्पॉन नहीं हो रहे होंगे, तो काफ़ी अब ये सेफ और इजीली इस जगह को नेविगेट किया जा सकेगा। एक्चुअली यहाँ पे एक हेडलेस फाइट है, इसे भी हम लोगों ने लास्ट टाइम छोड़ दिया था, बट करते हैं उससे फिलहाल ये चीज़ें पिक कर लें। आइस मैंने ऑलरेडी ये इक्विप कर रखी हुई थी। लेट्स गो। ओके, ज्यादा ही अग्रेसिव हो रहा है ये बंदा। Ouch. All right. Almost मुझे लगा कि मैं भी इसकी हिट लग जाएगी मुझे। शुरू। वाओ, ओके। मैं निकल ही नहीं सका इस सारी जगह से। वेट अ सेकंड, बस ये भी मुझे जरूरत नहीं थी डिवाइन कन्फर्ट यूज करने की, बट व्हाटएवर। और बस कहानी खत्म। अब वेल एक्चुअली यहाँ पे एक तो इसके इर्द गिर्द ब्लैक फॉग की वजह से मूवमेंट की ऐसी तैसी हो जाती है, और ऊपर से फिर ये जगह काफ़ी टाइटली पैक्ड है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट बहरहाल इससे डील करने के बाद अब हम लोगों ने मज़ीद प्रोसीड करना ऊपर की तरफ। तो नो ग्रैपल, फिर मेरे ख्याल से ऊपर अभी लूट होनी चाहिए। ये वो सेम एरिया जहाँ पे हम लोगों ने इस बाबा जी से बात की थी, जिसने हमें बताया था कि भाई जब मिस नोबल था उसने इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है, मेबू विलेज तक जाने का रास्ता रुका हुआ है। बढ़ता ओके, ये भी मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जरा इन जंप्स पे। पता नहीं यहाँ पे से मैंने लास्ट टाइम लूट पिक की थी क्या नहीं, बट एक दफा फिर से चेक कर लेता हूँ। ओके, माय नेविगेशन स्किल्स आर ऑन पार टुडे। लास्ट टाइम हम लोगों ने वो पाथ लिया था, अब भी मेन पाथ लेंगे। वाओ, ओके, तो इनसे मार खाने के बाद अब जंप
लोग जा सकते हैं इस एरिया की तरफ जहाँ पे वो टेंपल था और हम लोगों ने मिस नोबल को डिफीट किया था वहाँ पे। तो बेसिकली इस एरिया में आप कुछ नहीं करना है सिवाय लूट पिक करने के, सो जल्दी जल्दी बस पिक करें। अदरवाइज मतलब अगर हम उस मिस्ट में यहाँ पे घूम फिर रहे होते तो बार बार इल्यूजनरी एनिमीज यहाँ से पॉपअप हो रहे होते और अटैक कर रहे होते। मुझे कंफर्म नहीं पता है कि वो इन्फिनिटली स्पॉन हो रहे होते हैं या नहीं, बट फिर भी एक फेयर अमाउंट ऑफ टाइम तक वो लोग स्पॉन होते रहते हैं और तंग करते रहते हैं, तो काफ़ी बेहतर है इस नोबल को डिफीट करने के बाद इस एरिया को एक्सप्लोर करना और पीस ऑफ लूट होना चाहिए। मे बी ओ वहां पे अ सेकंड, कहां से मैं भूल रहा हूँ रास्ता। ओके यहां से जंप करना था, व्हाटएवर। तो और डबल जंप एंड हियर वी आर। एडामेंटाइट स्क्रैप ऑफ कोर्स काम का मटेरियल था, इस वजह से मैं पिक करना चाह रहा था इसे। और ख्याल से टेंपल के अंदर से हम लोगों ने लूट पिक कर ली थी। ये जगह है। और एक लास्ट पीस ऑफ आइटम और अगेन हम लोग यहाँ से दोबारा पहुंच जाएंगे मीबो विलेज। अग्रेसिव रहना ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज ये ज़्यादा मसला क्रिएट कर सकते हैं। और अब प्रॉपरली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं मिबू विलेज को। तो लेट्स गो, रेस्ट कर लें। वहाँ से उस एनिमी के पास से एक ट्रेजर स्केल कार्प था वो मैंने पिक कर लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम उसने अटैक कर दिया था हम पे। और अभी इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले भी मैंने यहाँ से ये बाय कर लिए हैं, एडमेंटाइट स्क्रैप और ट्रेजर कार्प स्केल। उसके अलावा यहाँ पे ये मोटेड पर्पल गोर्ड है जो कि ऑफ कोर्स बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे पॉइजन वाला काम कर रहा था जो कि हम लोगों ने संकेन वैली के अंदर से बाय किया था। ये एक्चुअली क्योर करेगा पेयर वाले जो स्टेटस इफेक्ट है उसको, और ये बार बार हमारे टेस्ट करने पे रिफिल होता रहेगा। काम की चीज़ है बट मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, सो मैं अगेन बाय नहीं कर रहा इसे। शीशा तो ज़रूरत पड़ी तो मैं बाकी बाय कर लूँगा, बट गुड। सो इसे ऊपर जाना है ख्याल से, यहाँ जस्ट एक लाइट कॉइन पर्स है। और ये वो नीचे जगह जहाँ पे मर्चेंट था इधर हट के पास। और लाजमी नहीं है कि यहाँ पे से मतलब हम जंप ही करते, यही सेम पाथ लेते हुए भी हम लोग इस हट के पीछे से ये आइटम पिक कर सकते थे। और अब ये विलेज है सारा भरा हुआ ज़ॉम्बीज से। ऑन मोस्ट पार्ट मेरी सजेशन ये है कि इन लोगों से दूर ही रहा जाए, क्योंकि एक्चुअली ये लोग मतलब रीस्पॉन होते रहेंगे इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम तक नहीं, बट फिर भी एक काफ़ी लंबे टाइम तक ये रिस्पॉन होते रहते हैं। फार्मिंग के लिए अच्छी जगह है ये। और या अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इन लोगों से फाइट करना बहुत ज़रूरी है।
हेयर। और वैसे भी मतलब मुझे वीडियो का टाइम मैनेज करना है, तो मैं इस पूरे विलेज को क्लियर खंगो 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 ओरावक करवाना नहीं चाह रहा। ओए खंगो 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 ओचित ओ योकत्ता यो अंता ये वा बेचारा एक मोटोमो ना अकेला बंदा बचा ओशिता हुआ है यहाँ पे। अंता तदा कोनो मुरा वा ओरा तो यहाँ पे एक्चुअली एक डायलॉग है कि नोदो कित्तो कंथा सर्शिके मुझे नहीं लगता कि इस बंदे का कोई साइड क्वेस्ट है या नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह देगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कोनो तो अपने प्ले थ्रूज में सुकून से इनको सुन लेना। मैं बस डायलॉग एग्जॉस्ट कर रहा हूँ। सो काय ओर और जिस प्रीस्ट वगैरह की ये बात कर रहा था, ये वो हमें मिलेगा इस एरिया के एंड पे। और एक माइनर सा साइड क्वेस्ट होगा, मतलब एक आइटम उसको ला के देना होगा फाउंटेन हेड पैलेस से। एक बिल्कुल लेट गेम एरिया है। राइट, वेरी गुड। हेयर एक आइटम वो रह गया पीछे। और अब एक्चुअली हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इस घर के पीछे कुछ है। ऑलराइट, ट्रिकी चीज यहाँ पे ये है कि ये जो सक्रा फ्लावर पेटल्स गिरी हुई हैं जिस जगह के ऊपर, यहाँ पर से एनिमी पॉप होगा और वो मतलब काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए हमें कैप्चर कर लेगा, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए। और उस दौरान अगर ये बाकी एनिमीज इकट्ठे हो गए, ये देखा इस तरह से, वो मतलब यूँ समझ लो कि डेथ पक्की है। और उस दरख्त के पास बहुत इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं जो मैं पिक करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि मैं कैप्चर हो जाऊँ जैसे पॉप होने वाले एनिमीज के हाथों। और अगर मैं हो भी जाता हूँ जस्ट इन केस, तो ये जो बाकी एनिमीज हैं हम पे एक्टिवली अटैक करने वाले, इनकी तादाद कम हो। मतलब एट फर्स्ट ग्लैंस मतलब लग सकता है कि ये एनिमीज बहुत वीक से हैं, एक हिट में मर रहे हैं, स्लो मूविंग है, तो कोई थ्रेट नहीं है। बट अचानक से पता चलता है कि आप डेड हो चुके हो, तब अंदाज़ा होता है कि ये लोग कितने डेडली साबित हो सकते हैं। और यही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि मतलब सोल्सबोर्न गेम्स के अंदर, फ्रॉम सॉफ्टवेयर गेम्स के अंदर, आप किसी भी एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ऑल राइट, परफेक्ट एग्जाम्पल है, इतनी देर के लिए इसने मुझे पकड़ के रखा हुआ था और लकीली मेरे इर्द गिर्द जस्ट एक ही एनिमी था जो मुझ पर अटैक कर रहा था। अगर वो तीन मेरे पे अटैक कर रहे होते तो डेथ हो चुकी थी। मेरी कोशिश होती है कि कॉन्स्टेंटली मैं डेथ ब्लोज इनको मारता रहूं ताकि मतलब हेल्थ मेरी रिफिल होती रहे क्रिटिकल अटैक्स की वजह से। सो मे बी अब हम लोग आइटम्स वगैरह पिक करने के लिए सेफ हैं। ये बंदा आ गया है। गोल्ड सीड और कल जरूरी चीज गोल्ड सीड थी, वो हमें मिल चुका है। ओह शिट, हो गया काम। देखा, परफेक्ट एग्जांपल क्यों मैं कह रहा था कि इनको अवॉइड करना ज्यादा बेहतर है। एम आई डेड? अपेरेंटली लग रहा है कि आई एम डेड। यस ओके।
मतलब ये पूरा एरिया जहाँ पे भी सैकुरा फ्लावर्स वगैरह गिरे हुए थे, ये पूरा एरिया एक लैंड माइन जोन है। अच्छी बात यह है कि फिलहाल यहाँ पे जो है वो लूट के मामले में हमारा काम एंड हो चुका है। अब हम मोस्टली इस एरिया को जस्ट भाग के लीव कर सकते हैं और करीब ही अब नेक्स्ट हमारा आइडल है। मैं सजेस्ट करूंगा अभी दोबारा बस जस्ट रन हम लोग। जस्ट एक आइटम मैं पिक कर रहा हूँ और उसके बाद करके आइडल लेते हैं और फिर जो पीछे एरिया रह गया उसको डील करते हैं। रेस्ट कर लें ताकि सारा कुछ रीसेट हो जाए एंड वी आर गुड। ये लेडीज काफी डेंजरस साबित हो सकती हैं अगर इनका ग्रैब अटैक ट्रिगर हो जाए तो, क्योंकि फिर ये उसके बाद मतलब हमें गिरा के कोई 3-4 बार या मे बी उससे भी ज़्यादा स्टैब करेंगी। ये काफ़ी मतलब हैवी टाइप का डैमेज कर सकती हैं। राइट, ये दो चीज़ें हो गई। बेल वाला जो एनिमी है यहाँ होगा नीचे। राइट, आओ लेट्स गो अप हियर। एडमेंटाइट स्क्रैप, और अगेन यहाँ भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इन एनिमी से फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई स्पेशल आइटम वगैरह ड्रॉप होता है। और एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर पपेटियर निंजित्सु यूज़ कर सकते हैं में हेल्प करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली 4 स्पिरिट नाइट जार्स स्पॉन हो जाएंगे जो कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखता हूँ कि वो कब स्पॉन होते हैं, मे बी मैं जब यहाँ पहुँचूँगा तब। Alright, there they are. Again, ये पपेटियर निंजित्सु की वजह से जाइंट काफी हेल्प कर देगा हमारी। ओह शिट, सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ओके, किधर फंस गया था पता नहीं मैं। स्टे अग्रेसिव। ऑलराइट, इसी वजह से मैं एक्चुअली सजेस्ट कर रहा था कि यहाँ के एनिमीज को अवॉइड करना बेहतर है। तो देखो सबको मतलब मारने से हमें कोई स्पेशल आइटम वगैरह मुझे नहीं लगता कि कोई मिला। पीसफुल ऑफ एश और सिरेमिक ड्रॉप मतलब नॉर्मल ड्रॉप्स हैं, कोई वन टाइम ड्रॉप नहीं है और वैसे भी कोई काम के आइटम नहीं है। सो सिंपल यहाँ से जो आइटम्स हम पिक कर सकते थे वो करें और निकले। और अब मतलब ओवरऑल मेरी सजेशन यही है कि इस एरिया से
मतलब इस एरिया से भाग के इसको क्लियर करवाना ज़्यादा बेहतर है बनिस्पत मतलब होल विलेज से फाइट करना। अदरवाइज अगर आप फार्मिंग रन कर रहे हो तो वो फिर उसमें डेफिनेटली ये लोग हेल्प करते हैं। गाइस बार बार आप लोगों को रेस्ट नहीं करना पड़ता है और ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो स्पॉन होते रहते हैं। अगेन इस एरिया में भी मैं यही करूँगा कि भागते हुए बस यहाँ से जो लूट है पिक करने वाली वो करें और निकले, क्योंकि तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं। एडमेंटाइट स्क्रैप और एक ये फाइन रेजिन एम्बर हमारे फ्लेम वेंट के लिए एक क्राफ्टिंग आइटम। और हम बैक उसी जगह पे आ सकते हैं मतलब आ चुके हैं जहाँ पे से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और ये एक आइटम यहाँ पे और हमारा काम अगेन ख़त्म। सो लेट्स टेलीपोर्ट करें वापस अपने टेंपल पे। और अब बारी है एक बॉस फाइट की। तो मैं एक्चुअली इस बॉस फाइट के लिए यूज़ करूँगा फिर गई दुकान शुगर अपने पॉस्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि ये बॉस काफ़ी तेज़ अटैक करते हैं और करती है एक्चुअली, तो हमारा पॉस्चर बार काफ़ी तेज़ी से फील हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं इसको एंगेज करूँ थोड़ा सा स्टोरी टाइप इसका बता दूँ कि जिस सैमुराई को हम लोगों ने उस डंजन में अबैंडन डंजन में सर्जन के पास भेजा था, ये उसकी बीवी है, एक तरह से पागल हो चुकी है। तो अगर हम उसे सर्जन के पास ना भेजते तो वो अल्टीमेटली हमें यहाँ मिलता और अगेन उसकी हालत जो है वो ख़राब ही होनी थी, उसने खुदकुशी कर लेनी थी इसकी ऐसी हालत देख के। एक तरह से ये डाइंग टाइप बन चुकी है, तो मतलब हैप्पी एंडिंग वैसे भी नहीं थी, तो सर्जन के पास भेजने में हमारा फ़ायदा था। बहरहाल एक्टिवेट करें इसे। इसके साथ मतलब इसको जाके अगर हम इससे बात कर भी लेते तो इसने अग्रेसिव हो ही जाना था, तो मैंने बस सिंपली अटैक कर दिया इसके ऊपर। और डायलॉग में भी हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं हर ऑप्शन के बाद उसने हम पे अटैक ही करना था। व्हाट द हेल ये ओके और इतनी देर ये अपनी घोस्ट फॉर्म के अंदर है, हम इसे अटैक नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना। देयर वी गो, कम ऑन। साक्षात समा してくれぬなら、Finally せめて代わりに。इस फाइट में बेहतर यही है कि बहुत ज़्यादा ओवर अग्रेसिव ना हो, क्योंकि बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में ये डिस्टेंस क्लोज कर सकती है और पता भी नहीं चलेगा कि एक मल्टीपल हिट्स कॉम्बो जो है वो आपको आके हिट कर देगा और डेथ हो जाएगी। नाइस, स्टे काम और मोस्टली फोकस जो है वो अगर जस्ट क्या कहते हैं डिफ्लेक्शंस पर रखा जाए तो इजीली इस फाइट को मैनेज किया जा सकता है। बट इस लेडी को मारने के बाद हमारी जो क्रिटिकल हिट्स के बाद हेल्थ रिस्टोर होती है उसकी अब अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, तो दैट्स गुड। ओह शिट, डॉज बटन प्रेस ही नहीं हुआ मेरे से। नाइस, ओके
सो इन एनिमीज को डील करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि इसके ऊपर पपेटियर निंजत्सु यूज कर लिया जाए, और उसके बाद एक्चुअली ये बाकी एनिमीज को खुद ही डील कर लेगा। वैसे एक ईव ड्रॉप है जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है। जिस प्रीस्ट की बात कर रहे था वो बंदा जो विलेज के अंदर हमें मिला था वो एक्चुअली इस घर के अंदर होगा। मार ले बच्चे, मार ले जल्दी से। चलो बस 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 बस, थैंक यू। ये वही लिक्विड पीने पे लगा हुआ जिसकी बात मेरे ख्याल से वो विलेज वाला बंदा बता रहा था, जिसकी जिसको मतलब पीने की वजह से ये पूरे विलेज का ये हाल हो गया। उस करें इस ट्रैप डोर को, यहाँ पे होगा ये बंदा। ओए, ओए, तो अगेन मैं इसका डायलॉग स्किप कर रहा हूँ। ये अल्टीमेटली मेरे ख्याल से हमें बोलता है कि माउंटेन हेड पैलेस से हमें खास किस्म का पानी या कुछ इस तरह का आइटम मिलेगा जो कि हम इसे ला के दे सकते हैं, बट वट एवर। मुझे लगता है कि ये जो साइड क्वेस्ट है कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Yeah, you can do that if you want. Let's go here. Light coin purse. यहाँ पे एक prayer bead. Yes. और स्टिल मेरे ख्याल से एक लूट आइटम होना चाहिए इस घर की छत पे भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इजी 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 इजी। वेरी गुड। अगेन ये चीज जगह जो है वो हमें एटिक मिल जाएगी, उस जगह से हम लोगों ने प्रेयर बीट पिक की थी। और यहाँ से आगे कंटिन्यू करने से हमारी मेन बॉस फाइट स्टार्ट हो जाएगी और अबैंडन डंजन का एंड हो जाएगा। बट उस बॉस फाइट को मैं बचा के रख रहा हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड के लिए, क्योंकि अंडर वाटर डाइव करने की एबिलिटी मिलेगी हमें उस बॉस को डिफीट करने से, और मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अब तक जितने भी अंडर वाटर लूट और ऑन वाटर लूट भी छोड़ते आए हैं वो एक ही एपिसोड में हम लोग कवर कर लेंगे, ताकि बार बार किसी को प्रॉब्लम ना हो उस लूट को इकट्ठा करने में। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अबैंडन डंजन एंड करेंगे, मतलब जस्ट हम लोग रन करते हुए जाएंगे और सीधी बॉस फाइट स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जितनी भी अंडर वाटर लूट होगी और प्लस दो हेडलेस फाइट्स वो उस एपिसोड में हम लोग ऐड करेंगे, और उसके बाद उसके बाद चीज़ें काफ़ी क्रेजी होने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।